यूपी के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 2017 को कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के मामले में निलंबित किए गए कॉलेज प्राचार्य समेत दो सीनियर डॉक्टरों को फिर से नियुक्ति दे दी गई है। हालांकि दोनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी। बता दें, इसी मामले में डॉक्टर कफील जेल में बंद है। फिलहाल उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इनके अलावा डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला को भी बहाल किया गया है, लेकिन वे रिटायर हो चुकी हैं। साल 2017 में अगस्त के महीने में ऑक्सीजन की कमी के चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 50 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। शासन ने 12 अगस्त 2017 को प्राचार्य रहे डॉक्टर राजीव मिश्रा और डॉक्टर सतीश कुमार को निलंबित कर दिया था। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्रा सहित 9 आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद इस केस को गोरखपुर के गुलरिहा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। सीओ कैंट को इस मामले में विवेचना अधिकारी बनाया गया है। इन 9 आरोपियों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्रा, उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर कफील खान सहित मेडिकल कॉलेज के कई कर्मी और ऑक्सीजन गैस सप्लायर मनीष भंडारी का नाम शामिल था। बहरहाल नए आदेश के मुताबिक दोनों डॉक्टर अपने विभाग में काम करते रहेंगे और उनके खिलाफ विभागीय जाँच जारी रहेगी। बहाली के बाद डॉक्टर राजीव मिश्रा को आचार्य पैथोलॉजिस्ट के पद पर और डॉक्टर सतीश कुमार को एनेस्थीसियालॉजिस्ट के पद पर तैनाती की गई है।